तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक। ये जो ब्रेक है ना, ये लुल हो गए, देखिए लुलिया गए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे वापस लेकर आ सकते हैं, और इस वीडियो को बनाने के लिए जो हमारी मदद कर रहे हैं, स्वागत है अफरोज भाई का। अफरोज भाई मतलब पूरा प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंज करना पड़ता है या कैसे करते हैं। सबसे मेन दिक्कत है कि जो हमारी ABS वाली गाड़ी है, BS4 या BS6, इसकी मेजर किट नहीं मिल रही है। अब मेजर किट क्या चीज़ होती है, पहले मैं खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे आप उसका जुगाड़ कर सकते हैं या कैसे आप वेंडर वाला माल डाल सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करो फटाफट और वीडियो को वायरल कर दो, आग लगा दो आग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर जो ब्रेक है हमारे, ये ABS वाले ब्रेक हैं और बिल्कुल क्लच की तरह काम कर रहा है। हालांकि क्लच हमारा इधर होता है, इस टाइम इस क्लच के अंदर और इसके अंदर कोई फर्क ही नज़र नहीं आ रहा है। देखिए पूरा अंदर चले आ रहा है। तो इसके लिए हमें इसके अंदर एक मेजर किट रहता है, मेजर किट के अंदर काम करना होता है। उसके अंदर बहुत बारीक बारीक से दो रबड़ के रिंग रहेंगे। उसके लिए हमें ये लीवर खोलना है। लीवर खोलिए और देखो, इतना काम पड़ा है फिर भी आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद पता है क्या है, कि लोग गुमराह ना हो सकें, लोगों को सही गाइडलाइंस मिले, कुछ नॉलेज मिले, ज्ञान की वो चीज़ें टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। जंग बहुत लगा है इसके अंदर, वो अभी फिलहाल इसके अंदर से दिख नहीं रहा शायद, पर है इसके अंदर जंग लगा। यहाँ तो लॉक, अब ये लॉक होता है छोटा सा, उस लॉक को निकालेंगे अफरोज भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये है वो लॉक, इस किट को कैसे बाहर निकाली जाएगा। खोलिए उधर से भी इसका नट खोल दीजिए। मनु भाई ये जो चीज दी है ना, ये वाली एल्युमिनियम की दी है इसमें, वाशर ना ना। अच्छा ये चीज एल्युमिनियम, पहले लोहे की आती थी। हाँ पहले लोहे की थी, इससे मैं ये एल्युमिनियम लग रहा है मुझे। ओके, तो उससे बेनिफिट है कुछ? एल्युमिनियम से बेनिफिट ये लग रहा है कि मतलब एल्युमिनियम एक बहुत अच्छी चीज है। एल्युमिनियम एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? ओके, तो ये है वो मेजर किट है ना। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, किस जगह पे आती है ये प्रॉब्लम? ये जो रबर है ना, ये वाला जो छोटा वाला रबर देख रहे हैं आप, देख रहे हो यहाँ पर फूल चुका है, इतना जो है ना ये हल्का फूल है। जब ये फूल जाता है तो ये जो मशीन होती है ये वाली, तो इसमें टाइट होने लग जाती है और ये रबर भी फूल जाती है तभी। और यहाँ पर स्क्रेच भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना स्क्रेच आया और जाम होता है, यही कारण रहता है इन किटों का खराब होने का। मास्टर सिलेंडर हुआ ये, और यहाँ पर देखो पानी जाने से भी यहाँ पर रस्ट लग रहा है, रस्ट लग रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जो मेजर किट होती हैं ये कुछ इस तरीके की होती है। ये जो है BS4 और BS6 के अंदर आजकल आने लगी हैं। पहले के टाइम पे जो थंडरबर्ड आती थी, थंडरबर्ड में इस टाइप की मेजर किट आती थी, और जो हमारी क्लासिक गाड़ी है, क्लासिक के अंदर इस तरीके की प्लास्टिक की आती थी। तो ये चीज़ आप देख लें कि ये प्लास्टिक की BS4 और BS6 के अंदर काम नहीं करेगी। कुछ लोग क्या पता है जुगाड़ बना दें और ना ही ये काम करेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है इसका तो कहीं से कहीं तक का। अब बात रही ये, अब ये मिल नहीं रही है, अब ये मिल नहीं रही। अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो वेंडर करके वेंडर जो होते हैं जो बनाते हैं मेजर किट, उसकी ये बिल्कुल किट आती है। और इसके अंदर लिखा है मेजर किट, मतलब MC किट BS4 और BS6। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार आपको खोल कर दिखाते हैं हम।
एक हमारी मेजर किट हो गई, उसकी पिन हो गई, रबड़ हो गई, लॉक हो गया और उसका स्प्रिंग हो गया। सिर्फ इसको डालना है और ये मात्र 20 रुपए का है। आपको यकीन नहीं होगा कहाँ ये 222 रुपए की थी प्लास्टिक की और ये मात्र 20 रुपए में। 20 रुपए में कैसे काम होगा वो पहले इसको फिट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे और कहाँ मिलेगी ये कुल 20 रुपए में। यार चलो पहले फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेक ऑयल रहा। ब्रेक ऑयल के अंदर पहले मेजर किट को डुबो लें, मतलब इसमें लुब्रिकेंट पहले ही लगा ली, ये नहीं कि सूखा घुसेड़ देना है और ऑयल ना लगाएं, क्योंकि ये पहले से ब्रेक ऑयल पे चलता है, तो इसके अंदर ब्रेक ऑयल का ही यूज करें, फिर इसके बाद फिट करें इसको। इसे खोल के हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? इसमें ब्रेक ऑयल चेक कर रहे हैं कि ब्रेक ऑयल हमारा इसमें है या नहीं है और कितना है, क्या है, ख़राब तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करेंगे। यहाँ देखो मोनू भाई, यहाँ पर ये पानी भी है शायद इस रबर के ऊपर, तो इसे फूंक मार के उड़ा दें। ये फूंक मार के उड़ा भी सकते हैं, वो भी ठीक है, और इसको हम फिलहाल पी भी सकते हैं। पीना तो ये गड़बड़ हो जाएगी शरीर में। इसको हम ऐसे कर देंगे, आराम से उठाएंगे और ऐसे तरीके से गिरा देंगे। ठीक है ठीक है। ये ब्रेक ऑयल हमारा, ये इसके अंदर ब्रेक ऑयल रहा। तो अब हम इसका लीवर फिट करते हैं और देखते हैं प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमने यहाँ से इसका बोल्ट लगा दिया है, अब हम डालेंगे ब्रेक ऑयल और ब्रेक ऑयल को फुल कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने डाल रखा है .3, आप .3 या .4 यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद इसको फिट कर देंगे और लीवर लगा देंगे और देखते हैं कि प्रेशर बनता है या नहीं बनता है। फिट हो गया लीवर फिट हो गया। क्या ब्रेक आएंगे अफरोज भाई? क्यों नहीं आएंगे, पूरा बढ़िया दबाइए, दबाइए कस के दबाइए। नहीं जा रहा ना अंदर? ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मस्त। जैसे हम टायर घुमाएंगे, टायर घुमा के चेक करते हैं। मारिए ब्रेक, सही काम कर रहा है, बिल्कुल मजा आ गया। तो आखिर 20 रुपए में जो जुगाड़ है, जुगाड़ कह सकते हैं या वेंडर का काम कह सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आपको ये 300-400 रुपए से कम तो मिलने, 300 रुपए तो कम से कम मान के चलो अगर आपको BS4 और BS6 की मेजर किट चाहिए। और देखिए अगर अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो BS4 के अंदर या BS6 के अंदर या फिर कहें ABS वाली गाड़ी के अंदर ये लीवर में कहीं एयर आ जाती है तो वो एयर कैसे निकाल सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं आप अगर कहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत छोटा सा ट्रिक है, ये ऐसे ट्रिक है कि लोग तुमसे 1000 रुपये भी ले लेंगे, 500 रुपये भी ले लेंगे, और हम वो तरीका दिखाएंगे जिसके लिए सामने वाला कहेगा यार पैसा लूँ तो किस मुँह से लूँ। इसका जो ABS के अंदर अगर एयर बन जाती है तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, लोग इसके निकालने के 1000 रुपये से 500 रुपये से कम मिनिमम 500 तो लेंगे, मैक्सिमम 1000 भी ले सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिसके बाद सामने वाला पैसा मांगने से पहले 4 बार सोचेगा कि यार अब किस मुंह से पैसा मांगूं, क्योंकि वो ट्रिक आपको पता होगी और अगर आपको काम आता है तो आप वो तरीके से करवा सकते हैं। आपको इसलिए कहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अफरोज भाई क्या कहते हैं आप? मोनू भाई ने जो कहा बिल्कुल बढ़िया कहा, और मोनू भाई को सपोर्ट करो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।